हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ क्लास फोर मैथ्स चैप्टर नंबर 11 पार्ट 4-5 टेबल्स एंड शेयर्स। अब इधर दिया है, हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 130 से स्टोरी प्रॉब्लम्स। इधर तक हमने फिनिश किया था लास्ट वीडियो में, अब स्टोरी प्रॉब्लम्स है ये। अब इधर लिखा है सृष्टिज ग्रैंड मदर इज आस्किंग हर टू मेक प्रॉब्लम्स। सृष्टि की जो ग्रैंड माँ है वो उसे कुछ प्रॉब्लम्स बनाने को बोल रही है। क्वेश्चन, लुक एट पिक्चर एंड मेक अ क्वेश्चन ऑन इट। ये पिक्चर देख के आपको क्वेश्चन बनाना है। अब इधर लिखा है देयर आर थ्री क्रेट्स। इधर कितने क्रेट्स है? थ्री। ईच क्रेट हैज 24 बॉटल्स इन ईच। ठीक है, एक क्रेट में कितनी बॉटल्स है? 24। यानी तीनों जो जितनी भी क्रेट दे रखी है, थ्री क्रेट्स ट्रे, एक क्रेट में 24 बॉटल्स है। तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया? सृष्टि क्या बोल रही है? मैंने क्वेश्चन बनाया हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, कुल मिला के कितनी बॉटल्स है। अब इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। देखो, गिवन वन क्रेट हैज 24 बॉटल्स, यानी एक क्रेट में 24 बॉटल्स है जो आपको दे रखा है। टोटल कितनी क्रेट्स है? थ्री क्रेट्स। ठीक है, तो टोटल बॉटल्स इन क्रेट्स, तो टोटल क्रेट्स कितनी होगी? इधर लिखा है हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर इन ऑल, सृष्टि ने क्वेश्चन बनाया, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर एक क्रेट में 24 बॉटल्स होती है तो थ्री क्रेट में कितनी बॉटल्स होगी? तो हम क्या करेंगे, थ्री को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 72। देयरफॉर 72 बॉटल्स इन थ्री क्रेट्स। नाउ यू लुक एट अदर पिक्चर्स एंड मेक क्वेश्चंस लाइक सृष्टि। अब आप ये पिक्चर्स देखिए और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस बनाने हैं जैसे सृष्टि ने बनाए। अब ये देख रहे हैं कुछ एनवलप्स पैकेट्स दे रखे हैं राखी के। अब इधर लिखा है देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखीज। इधर कितने पैकेट्स है राखीज के? 8 पैकेट्स। काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ईच पैकेट है 6 राखीज। एक पैकेट में कितनी राखीज है? 6 है। तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया? योर क्वेश्चन, हाउ मैनी राखीज आर देयर इन ऑल। क्या क्वेश्चन बनाने का कि टोटल कितनी राखीज है? अब इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। अगर एक टोटल कितने पैकेट्स है? 8 पैकेट्स। ठीक है, और एक पैकेट में कितनी राखी है? 6। तो हम क्या करेंगे, 8 6 48 राखीज, देयर आर 48 राखीज इन ऑल। सेकंड पिक्चर देखिए, शुगर के बैग्स दे रखे हैं। देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 पैकेट्स है शुगर के। सौरभ पेड 110 रुपीज फॉर ऑल द पैकेट्स। सौरभ ने पूरे पैकेट्स के लिए कितने पे किए? 110 रुपीज। तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच पैकेट। उसने सारे पैकेट्स का प्राइस, उसने जितने भी पैकेट्स थे शुगर के 10, उनका कितना अमाउंट पे किया? 110। तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच पैकेट, यानी एक पैकेट शुगर का कितना प्राइस होगा? सारे पैकेट का सौरभ ने तो बता दिया 110 रुपीज दिए, यानी एक पैकेट शुगर कितने रुपीज की होगी। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ईच पैकेट। तो हम क्या करेंगे, 110 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे, सो द प्राइस ऑफ ईच पैकेट इज़ रुपीज़ 11। एक शुगर, एक पैकेट जो है शुगर का वो रुपीज़ 11 का है। देन थर्ड पिक्चर देखिए, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 रोज है और टोटल मिला के कितने स्टूडेंट्स हैं 7 रोज में? 35। ईच रो है सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हर एक रो में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, देख रहे हैं आप 5, 5, 5। तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो, तो एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, टोटल 35 स्टूडेंट्स है और 7 रोज है, यानी एक रो में कितने होंगे, 7 5 35, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन ईच रो। इसी तरह मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और जो क्वेश्चन लिखा है उसी का आपको आंसर भी लिख के यहाँ पे आपको दिया है। कम टू लास्ट पेज, फोर्थ। हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। ठीक है, ये सब गुवाहाटी जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ वन रेल टिकट इज ₹62। अब एक टिकट का कॉस्ट है ₹62 और कितने जन गुवाहाटी जा रहे हैं? 4 जन, हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी। तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया, हाउ मच दे विल पे फॉर ऑल टिकट। एक टिकट का प्राइस तो हमें पता है 62 है, तो टोटल कितने जन है? 4 पर्सन्स है, इसलिए हमने क्या किया, एक टिकट का जितना प्राइस है 62 मल्टीप्लाई बाय 4। आप मल्टीप्लाई करके करोगे तो 62 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹248। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 4, ईच टिकट कॉस्ट ₹62, देयरफॉर टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू 62 मल्टीप्लाई बाय 4, ₹248।
1 meter ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹20, 1 meter क्लॉथ का प्राइस है 20. श्यामू बॉट सम क्लॉथ एंड पेड ₹140. श्यामू ने कुछ क्लॉथ खरीदा और टोटल रुपीज दिए 140. तो मैंने क्या क्वेश्चन बनाया है, हाउ मच क्लॉथ डिड ही श्यामू, ही यानी श्यामू बाय, यानी श्यामू ने कितना क्लॉथ खरीदा. अब इसका हम आंसर देखते हैं. टोटल उसने कितने रुपए भरे क्लॉथ परचेस करने के लिए, 140, ठीक है. और 1 मीटर का कितना कॉस्ट है 20, तो 140 को आप 20 से डिवाइड करो, 27 ज 140, यानी श्यामू ने कितना, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज ₹20, देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड इज ₹140. ओके, तो श्यामू ने कितना क्लॉथ खरीदा, 7 मीटर. ओके, तो यहाँ पे आपको तो सिर्फ क्वेश्चन मेंशन करने हैं, बट क्वेश्चन के साथ उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया इस वीडियो में. तो आज ये वीडियो हमारा यही स्टॉप होता है और ये लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है. ओके, आगे की एक्सरसाइजेस मैं आपको PDF में सेंड करूँगी. टिल देन गुड बाय.